सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम डी गोट फार्म। दोस्तों ये वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि काफ़ी सारे जानदार और दमदार बकरे देखने मिलेंगे। पूरी टीम है डी गोट फार्म की मौजूद यहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आशीष भाई। सो दानिश भाई, पहले वीडियो में तो एकदम ज़बरदस्त बोर और सानियन देखे हमने जी। ये वीडियो में कोटा, मालवा और एक बहुत ही यूनिक बरबरा बोलूँगा मैं, ये चीज़ें देखेंगे। तो कौन से बकरे से स्टार्ट करते हैं भाई? अभी मैं जो बकरा मेरे हाथ में उससे स्टार्ट करते हैं, फिर मैं बकरा वहाँ जी के बोलूँगा जी। बच्चे से स्टार्ट कर दे, कोटा है जी, ठीक है। दो दांत है अभी, ये दो दांत पे, दो दांत पे माशाल्लाह। इसकी हाइट 37 इंच है, दो दांत पे। इसका पीछे झालर देख सकते हैं आसिम भाई जी, बहुत अच्छे उसे झालर बोलते ना, बहुत भरे हुए बाल का बच्चा है। चेहरा सिक्के का शेप, हर चीज़ में माशाल्लाह परफेक्ट क्वालिटी है। किसी को अगर एक साल पालना है ये बकरे जी, मेरे यहाँ रखते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट। ये पंज भी है थोड़ा क्या भाई, रोमन नोस में? ये कौन सी क्वालिटी का बकरा आसिम भाई? जो ये छह दांत पर जब आएगा ना, तो भराई के लाइक जो बकरे बनते ना खूबसूरती में, फ्रेम में, उस टाइप का बकरा है। पैर वगैरह आसिम भाई इसके देखो माशाल्लाह, एकदम फिट एंड फाइन पैर। और बकरे की हाइट दो दांत पे इतनी अच्छी है, फिटिंग देखो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, पेटी एटी देखो उसकी, एग्रेसिव भी है, एग्रेसिव भी है, वो तो रहेगा ना डी गोट फार्म का जी जी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है, अच्छी क्वालिटी का कोटा है और अपने फार्म पे सेट बच्चा है। कहीं जंगल अंगल से नहीं मंगवाता हूँ मैं बकरे, हाँ जो जंगल से मंगवाते हैं हम लोग वो वीडियो में बता के देते कि ये जंगल से लाए इतना दिन, सही है, ये सब यहीं के पले हुए बकरे, बकरा इनके टाइम आए हुए थे, इनको हम लोगों ने रोक के रखे थे कि सीजन जब आएगा तब निकालेंगे। सही है, तो लेके आपके पास पलाई पे भी रख सकते हैं इसको, दो ही दांत पे बकरा है। लोग परेशान है, तो अगर कोई मेरे पास से लेके मेरे पास रखेगा मैं इंशाल्लाह पलाई में डिस्काउंट देंगे, पलाई में डिस्काउंट देंगे। सही, सिंह भी काफ़ी सिक्के देखे आप माशाल्लाह, अच्छे स्ट्रक्चर का बच्चा है। दूसरा बता दो, चलो ले। सो दोस्तों बहुत ही शानदार बकरा आपके सामने आ रहा है। बकरा ये आसिम भाई, इसके इसमें मतलब मैं क्या बताऊँ, इसका चेहरा ही काफ़ी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे चेहरे का, गुलाबी चेहरे का बच्चा है। मालवा कोटा का मिक्स है ये माशाल्लाह, बोलते ना जैसे मालवा जितनी हाइट है लेकिन चेहरे वेहरे का एकदम कोटा जैसा है। छह दांत फ्रेश लगाया हुआ है। वेट कितना है? 61 kg पे है अभी लाइट वेट की है। 36 इंच हाइट बोलूँगा मैं इसकी। और बकरे का चेहरा वेरा रुबाब देखो, ये एकदम गोल जैसे बनते वैसा बनेगा, यहाँ गोल मटोल बच्चा है। गला देखें आप माशाल्लाह, और अभी उसमें इतनी जगह है ना आसिम भाई, तो तैयार जब होगा ना शॉर्ट हाइट पे गोल हो जाता है ना बकरा, वैसे तैयार ही रहेगा इंशाल्लाह। क्या बात है, इसका नाम कुछ रखे थे आपने? छोटा डॉन। छोटा डॉन बहुत ही शानदार, ये साल की कुर्बानी तक तो इंशाल्लाह अच्छे हो जाए। लाइक का बकरा बहुत अच्छी चीज है माशाल्लाह। फूर वूर भी आसिम भाई उसकी वाइट है। बकरों का ना हम लोग नहला नहीं पाए, ठंडी शाम में यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाती है, इस वजह से हम लोग नहला नहीं पाए, इसलिए थोड़े गंदे लग रहे हो गए। नहीं बकरे माशाल्लाह अच्छे ही दिख रहे हैं, मजा आ गया देख के। छोटे डॉन को बिल्कुल स्टाइल वैसा ही है इसका, अच्छा रुबाबदार बच्चा है, मोटी हड्डी का बकरा है, वजन बहुत अच्छा उठाएगा इंशाल्लाह। मेरी एक उम्मीद है 75-80 kg भी अगर ये हो गया ना तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा दिखेगा। सही है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट बकरा दिखाते हैं आपको हम लोग। तो तीसरा बकरा देख रहे हैं माशाल्लाह, मेरे को लग रहा है तीनों में सबसे ज्यादा एग्रेसिव यही है, ज्यादा गरम यही है, बहुत ज्यादा ही गरम है ये, एकदम गुर्राता है। ये भी चार दांत पे आसिम भाई और इसका वजन 55-60 kg अराउंड है। ये मार देगा आज सब लोग, मारने पे चले माशाल्लाह, बहुत एक्टिव है। और ये मेरे फार्म पे लगभग 7-8 महीने से, छोटा था जब ये अजंत आया था ये, तब से मेरे फार्म पे। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है उसका, ब्राउन ब्लैक वाइट तीन कलर का मिक्स है। और बकरा गर्म बहुत है देख रहा हो तो, बहुत ज़्यादा ही गर्म है। और खाने पीने में भी सेट है, वैक्सीनेशन वगैरह किया हुआ है माशाल्लाह, कोई चीज़ का टेंशन नहीं है कि जंगल से बकरा आया बीमार होगा सही होगा फिर उसके पीछे ट्रीटमेंट करो, ये सब कहानी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। ये सब सेट बकरे माशाल्लाह, कैसा मैं जैसे बताया ना आसिम भाई, ट्रेनिंग नहीं करने की वजह ये थी कि जंगल से किसी को बकरा दिलाओ, आने के बाद वो एक हफ्ते बाद बीमार होता है, फिर उसमें मोर्टेलिटी होती है, तो वेट कम होता है, लोग भड़क जाते हैं, कस्टमर टूटते हैं। तो हम लोग हमारा इन्वेस्टमेंट लगा के बकरे रख के उसको पाल के एक दो महीना सेट करके फिर बेचेंगे, फिर अलग ही शाइनिंग भी दिखती है यहाँ के बकरों में, चाम आता है, बकरे एग्रेशन दिखाते हैं जी। जंगल से आया हुआ बकरा ऐसा नहीं रहेगा। हाँ नहीं, सब सेट बकरे माशाल्लाह, पैर वैर बैठ जाते पीछे से उनके, सबके पैर देखो आप माशाल्लाह सब अच्छे,
टाइट पैर के बकरे। और माशाल्लाह जैसे बात भी मैं बताऊँ आपको ओवरऑल भी, क्योंकि जैसे कमेंट्स वगैरह भी आते हैं आपके यहाँ के पलाई के रिजल्ट माशाल्लाह लोगों को काफ़ी पसंद आता है दानी पर, ये सबसे बड़ी बात है। बताए ना आसिम भाई, मेरे पलाई का थोड़ा सा एक अलग फंडा है, मैं वेट गेन के अलावा बकरों की शाइनिंग, बकरों की खूबसूरती, बकरों की वाइटनेस पे ज्यादा फोकस रखता हूं। सही है। वजन तो देखो बकरा ईद में हर बकरे में मिलता है, और बकरे में खूबसूरती भी होनी। ज्यादातर एग्जॉटिक बकरे आपके यहाँ देखने मिलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सिंह के बकरे। एक चीज मैं बताता हूँ, ये तो काला बकरा है, खैर वो वाइट बकरों में आप देखो पीछे से झालर अगर वो गंदी काली पीली हो जाती है ना, हाँ। तो वो बकरे का फिर वजन उठा के मतलब ही क्या, खाली वेट के लिए लोग थोड़ी लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी पीछे की झालर पे बहुत ध्यान देते हैं, खासतौर पे पोटा की, हाँ। ताकि उनको कंघई करते हम लोग साफ सुथरा रखते, पीलापन उनका निकालने की कोशिश करते जी। बकरा साफ दिखेगा तो कस्टमर घर पे जब जाता है तो लोग खुश होते हैं। सही है। तो ये एक आपकी पलाई का मतलब पॉजिटिव पॉइंट है, एंड इंशाल्लाह आप चौथा बकरा भी दिखाते हैं। पलाई में तो हर चीज अपग्रेड होती जा रही है, जैसे आप देख रहे हो आसिम भाई जी, केजेस वगैरह भी अभी बना है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बंदे बढ़ा दिए, और पलाई में जैसे मैंने बताया कि खिलाई पिलाई के अलावा मेंटेनेंस सबसे मेन हम लोग देख रहे हैं, बकरों को नहलाना। बहुत ज्यादा ठंडी होने की वजह से हम लोग नहीं नहला रहे थे, वरना मेरे यहाँ पर हर 10 दिन में एक बकरा नहाता ही। सही है। मतलब हर बकरे का 10 दिन बाद उसका वापस से नहाने का टाइम आ ही जाता है। तो माशाल्लाह ये इतना यूनिक बर्बरा है कि मतलब लास्ट टाइम हम लोग ने दो बर्बरे डाले थे आपके जी, चैनल पे जी, ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ। वो भी माशाल्लाह शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल पे, बस वीडियो आई थी और 10 मिनट में बिक गए थे दोनों। क्या सिंह है बाप रे तो भाई। उसके बाद कोई अच्छा बर्बरा चाहिए था लोगों को गुलाबी में जी, तो ये मिला है, बहुत मोटी सिंह का बर्बरा है, मतलब यूपी में भी ऐसा बर्बरा नहीं देखा मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह सिंह इसकी बहुत बहुत जोरदार है, ब्रॉड सिंह है, लाइट स्पॉट का है, चेहरा अच्छा है, पिंक स्किन है, चारों खुर इसके व्हाइट है, जैसी सिंह है वैसे खुर है, और बच्चा एक्टिव है, एकदम एग्रेसिव एक्टिव है। जैसे मैं बताया ये भी कहीं बाहर से जंगल या यूपी या कहीं से मंगाया हुआ नहीं है, मैं ज़्यादातर यहीं के बकरे परचेस करता हूँ, लोगों के पले हुए बकरे ही परचेस करता हूँ। सही है। तो वो सेट मिलते हैं। तो ये बर्बरा भी देना है आपने को? ये बर्बरा भी देना है। तो ये बकरे जो आपने दिखाए बर्बरा भी जी, इसमें से लोग चाहिए तो लेके भी जा सकते हैं, जरूरी हाँ, नहीं ना जरूरी नहीं है कि मेरे फार्म पे ही रखना है, ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ पर पलाई तो आपको पता फूली है जी, पर अगर रखोगे तो हम लोग क्योंकि इनके स्पॉट खाली होंगे तो ये अपनी हाँ, जगह पे रहेंगे, लेके भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी फार्म पे रख सकते हैं अपना, कोई ये नहीं है कि ये फार्म पे मत रखो या वो फार्म पे मत रखो। सिंह देखो आसिम भाई, इतनी मोटी सिंह का बर्बरा मेरे को काफी टाइम बाद मिला, ये और बढ़ेगी ना भाई, हाँ, ये क्या ग्रोथ चालू है इसकी, देखो आप देखोगे ना ये नई पिंक पिंक जो दिख रही है, हाँ, नई ग्रोथ निकल, माशाल्लाह और करेगा सिंह, सबसे एक्टिव बकरा यही है माशाल्लाह, खेलने वाला बर्बरा है। तो किसी भी भाई को चाहिए तो ये चार बकरे दिखाए हमने आज, ब्रीडर के हिसाब से भी रख अच्छा, सकते हैं बकरा। लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग बकरे के बारे में फोन करते हो, डिटेल पूछते हो, तो या तो आप बकरे का स्क्रीनशॉट निकाल के व्हाट्सएप करो कि आपको कौन सा बकरा पसंद है, क्या था ब्लैक एंड व्हाइट बकरा पसंद है, तो ब्लैक एंड व्हाइट 3 है जी, है सारे ब्लैक एंड व्हाइट ना हो बराबर, अब कोटा चाहिए तो कोटा और भी बहुत सारे, तो आप एक लोग स्क्रीनशॉट निकालो और भेजो या फिर कॉल पे परफेक्ट डिटेल बताओ, तो इंशाल्लाह उनका जो भी रेट रहेगा हम बता देंगे। दानी भाई एक बार आपका नंबर बता दें, 7506-9679-79। भराई पे है जगह अभी बकरों, पलाई पे? पलाई पे भी नहीं बोलूंगा क्योंकि जो ट्रेडिंग का माल आ रहा है हम लोग उसके लिए थोड़ी जगह रखे हैं, पर ये बकरे तो आप रख लोगे ना, ये तो ऑलरेडी सेट है इनकी जगह पे, बस ये सही है। आपका यूट्यूब चैनल डी गोट फार्म, मैं लोगों से गुजारिश करूंगा उसको सब्सक्राइब करने के लिए, और भाई इंस्टाग्राम पे भी काफी एक्टिव रहते हैं आप, है ना? हाँ, इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव, तो प्लीज आप इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए डी गोट फार्म नाम से, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद क्या देखेंगे दानी भाई? इंशाल्लाह बड़े कोटा दिखाएंगे। अच्छा, इससे भी बड़े हैं अभी? बड़े। चलिए और मज़ा आएगा। हाँ अरिफ भाई मज़ा आएगा अभी। चलिए वीडियो को ख़त्म करते इसी नोट पर, अस्सलामुअलैकुम।